दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे यामाहा की स्कूटर फैसिनो का। दोस्तों फैसिनो यामाहा की काफ़ी अच्छी सेल होने वाली स्कूटर है और काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी देती है मार्केट में अवेलेबल होने वाली और दूसरी स्कूटर्स को। तो आज हम इस स्कूटर फैसिनो का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके इस स्कूटर के सारे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात की जाए डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के मामले में स्कूटर काफ़ी बढ़िया है। साइड में आपको यहाँ पर यामाहा लिखा मिल जाता है और यहीं पर आपको थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पर ये मैट फिनिश कलर दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है स्कूटर को। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर फैसिनो का 3D लोगो मिल जाता है, वहीं पर आपको ब्लू कोड टेक्नोलॉजी इंजन का यहाँ पर एक स्टिकर मिल जाता है। यहाँ नीचे साइड आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमको क्रोम स्टाइलिंग भी दी गई है। क्रोम स्टाइल आपको यहाँ पर ये पीछे साइड मिल जाती है, टेल लाइट के ऊपर भी आपको यहाँ पर क्रोम स्टाइल मिलती है, वहीं पर आपको यामाहा का लोगो भी मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर मिरर पर भी क्रोम स्टाइल दी गई है और यहाँ पर ये सामने की तरफ यामाहा का लोगो है, वहाँ भी आपको ये क्रोम मिल जाता है। बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो यहाँ पर हमको सारा कुछ एनालॉग मिलता है। यहाँ पर हमको स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, सारा कुछ ही एनालॉग है। यहाँ पर हमको ऑडोमीटर भी मिल जाता है और यहाँ पर हमको ये इंडिकेटर टॉगल लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पर हमको पास लाइट भी ये इंडिकेट कर देगा। हैंडल बार पर लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर हमको अपर डिपर लाइट एडजस्टेबल स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर टॉगल स्विच मिल जाता है और यहीं पर हमको हॉर्न भी मिल जाता है। बात की जाए राइट साइड की, तो यहाँ पर हमको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलता है और क्योंकि ये बाइक AHO फीचर के साथ आती है तो यहाँ पर हमको लाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं मिलता है। यहाँ नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये चाबी लगाने के लिए मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पर चोक दिया गया है और चाबी लगाने के बाजू में ही आपको थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए। और दोस्तों जो यहाँ पर फाइबर यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फाइबर यूज़ हुआ है यहाँ पर, और यही फाइबर पूरा ऊपर तक है जहाँ पर अपना स्पीडोमीटर वगैरह है। और दोस्तों बात की जाए इसकी सीटिंग कम्फर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसको खुद पर्सनली राइड कर भी देखा और इसने काफ़ी अच्छा कम्फर्ट प्रोवाइड किया मुझे, और शायद आपको वीडियो में भी देख कर अंदाज़ा हो जाए कि इसकी सीट सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। दोस्तों सीट के नीचे यहाँ पर हमको पहले से ही इसमें रखे हुए कुछ टूल्स मिल जाते हैं। और दोस्तों बात की जाए इसके स्पेस की, तो यहाँ पर हमको 21 लीटर का स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर हम इसमें आराम से कोई भी हेलमेट को रख सकते हैं। और 21 लीटर का स्पेस काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और बात की जाए इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर 5.2 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और इसमें फ्यूल फिलिंग एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल होती तो ये काफ़ी अच्छी बात होती। बात की जाए इसके मेन हेडलैम्प की, तो यहाँ पर हमको 35 वॉट का मेन हेडलैम्प मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो इसकी हेडलाइट की डिज़ाइन है वो सबसे बढ़िया लगी है मुझे अभी तक स्कूटर्स में, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिकेटर की स्टाइलिंग मिल जाती है। बात की जाए टेल लाइट की, तो यहाँ पर हमको ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर टेल लाइट मिल जाती है। ये LED टेल लाइट नहीं है, ये बल्ब वाली टेल लाइट है। 5 वाट का यहाँ पर हमको बल्ब मिल जाता है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं अपना, तो शो काफ़ी बढ़िया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेटर का स्टाइलिंग मिल जाता है। दोस्तों बात की जाए फैसिनो के इंजन की, तो यहाँ पर हमको सिंगल सिलेंडर एयर कूल 113 cc का यहाँ पर हमको इंजन मिल जाता है जो कि आपको 7 PS पावर दे देता है 7500 RPM पर। बात की जाए इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, तो कंपनी क्लेम्ड इसका माइलेज 66 KMPL है, बाकी आपको रियल वर्ल्ड में इसका माइलेज 45 से लेकर 55 KMPL के बीच में मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग कंडीशंस। और दोस्तों इसका इंजन यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हमको इससे माइलेज अच्छा ही मिलने वाला है। दोस्तों बात की जाए सस्पेंशन की, तो सामने की तरफ आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि स्कूटर्स जैसे कि एक्टिवा 4G वगैरह में अभी भी हमको पुराने ही सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमको काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन मिल जाता है, काफ़ी लॉन्ग सस्पेंशन है। तो दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड यहाँ पर हमको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है और बल्कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए गए हैं यामाहा फैसिनो में। बात की जाए ब्रेकिंग की, तो सामने की तरफ हमको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, पीछे की तरफ भी हमको सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर हमको ये एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं जो यहाँ पर इसका एक डाउनसाइड है, अगर एलॉय व्हील्स होते तो और भी बढ़िया बात होती।
दोस्तों बात की जाए टायर्स की, तो फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ हमको TBS ब्रांड के टायर मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और दोस्तों ये टायर ट्यूबलेस टायर हैं, ये और भी बढ़िया बात है। बात की जाए टायर साइज़ की, तो यहाँ पर 90-110 साइज़ के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ सेम टायर्स हैं, सेम उनकी साइज़ है। बात की जाए टायर पैटर्न की, तो इस तरीके के कुछ आपको यहाँ पर फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ टायर पैटर्न मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस स्कूटर का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। दोस्तों ये स्कूटर आपको 6 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है, क्यान, वाइट, ब्लू, रेड, यूनाइट वाइट एंड मिंगलिंग क्यान। तो यहाँ पर आपको 6 अलग अलग डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लास्टली बात की जाए इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो मध्य प्रदेश में इसका एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 55,000 रुपये। थैंक्स टू सिद्धश्री यामाहा, जिनके कारण हम इस वीडियो को बना पाए। शोरूम की डिटेल्स मैंने वीडियो के लास्ट में दे दी हैं। तो दोस्तों ये था मेरा यामाहा फैसिनो का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।